हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इकोलॉजी का लेक्चर आपका चल रहा था और आज हम पहुंचे हैं अपने टॉपिक इन्वायरमेंटल फैक्टर पे, जहां जहां पे हम जानेंगे टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, ये सब जो चीज़ें हैं उनके बारे में। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है, या जिसे आप इकोलॉजिकल फैक्टर भी बोलते हैं या इको फैक्टर बोलते हैं, ये आपका कोई भी हो सकता है जो एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता हो। वो एबायोटिक भी हो सकता है, बायोटिक भी हो सकता है। एबायोटिक फैक्टर के बारे में अगर आपको पता होगा, कॉमन जैसे मैंने बोला टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सनलाइट, पीएच, वाटर, सॉइल, या जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे ग्रो कर रहा है, जहाँ पे रह रहा है, उसको ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इनका स्टडी इकोलॉजी में करना ज़रूरी है। इकोलॉजी में आप देखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट भी हम स्टडी करते हैं, साथ ही साथ में बायोटिक फैक्टर भी जो हैं एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जो फूड ऑर्गेनिज्म है एक ऑर्गेनिज्म के लिए वो, और जो बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी होती है, कंपिटिटर्स, प्रेडेटर, पैरासाइट्स वगैरह हो गए, तो ये क्या हो गए, आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। तो एबायोटिक और बायोटिक दोनों चीज़ें आ गई आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। आपको पता है कि एक कोई भी स्पीशीज़ होगा उसको दोनों चीज़ें अफेक्ट करने करेंगी, एक तो एबायोटिक फैक्टर और दूसरा बायोटिक फैक्टर। ठीक है, जैसे हम ही हैं, हमको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट, या अगर प्रिडेटर्स हैं कुछ, हम उनसे परेशान हो सकते हैं। सेकेंड चीज़ है धूप, आप बोले कि धूप चल रही है, हवा चल रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। रेन आपको परेशान कर सकता है। तो ये हम क्या हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म हैं और ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए, दोनों लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें इसमें आती हैं। तो अगर हम मेजरली इसको डिवाइड करते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर के जो फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, तो आप इसको पांच हेडिंग में पढ़ सकते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स होंगे, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो, एडाफिक फैक्टर्स आएंगी, सॉइल से रिलेटेड, टोपोग्राफिक फैक्टर्स, हाइट एलिवेशन से रिलेटेड चीज़ें, बायोटिक फैक्टर आएंगे, और कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, हम उनके बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ध्यान दीजिएगा, इसको केवल समझना है आपको। इकोलॉजी लोगों को क्यों नहीं आता है, क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, पर असल में यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, अपना समय देना है। यहाँ पे ऐसा कुछ मैथमेटिकल टाइप का नहीं है कि यहाँ पे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन हो रहा हो, ये चीज़ें रिलेटेड हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो आपको लगेगा यार, या तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसीलिए आप लोग छोड़ देते हैं इसे जनरली। ठीक है, तो इकोलॉजी को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको बताया वहाँ पे बायोम के बारे में, ठीक है, आपने देखा बहुत अच्छा है। बायोस्फीयर क्या है, जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, कितने ओशंस हैं, बहुत ही वो सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। एग्ज़ाम तो है ही, जो भी है चीज़ें, जब तक आप इनको नहीं पढ़ेंगे, तो जो बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं इकोलॉजी में जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी जो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि आप तो केवल आपको केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही चाहिए और आप इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो ये सब समझना है, अगर आपको एक्चुअली में फील करना है कि कैसे कोई सब्जेक्ट वो करता है, तो उसके हर पार्ट को पढ़िए। ठीक है, एग्ज़ाम वाला चीज़ तो है, इम्पॉर्टेंट है, वो जब एग्ज़ाम आएगा तब आप उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, ज़्यादा फोकस करिएगा, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को जानना भी होगा। तो सबसे पहले हम जल्दी से चलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स आप अगर आप कोई पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड, एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो मूवमेंट होता है वो विंड में आता है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई जो हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आएंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, और कैसा फैक्टर है ये, एबायोटिक फैक्टर है। ठीक, सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट आपको पता है ये एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे नोट्स मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, पर यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। चीज़ें तो बहुत सारी हैं जिसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या चीज़ें हैं, पर आप इनको समझिए, केवल फील करिए बस, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगा। तो लाइट आपको पता है, अगर आप पूछा जाए लाइट हटा दिया जाए इस हद से तो क्या होगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कौन कौन से चीज़ें हैं। आप समझिए कि इकोलॉजी है, हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु सारे लोग हैं यहाँ पे। अगर हम लाइट जो ये फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इसको हम काट देते हैं या ना आए कहीं से, तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम पे, हमारे बायोस्फीयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर लाइट का कोई सोर्स आपसे पूछे तो आप आराम से बताएंगे कि जो सन है वो लाइट का सोर्स है, वो अर्थ के सरफेस पे आता है, और दो केवल पूरा का जो है, अगर आप 100% मानते हैं जो सनलाइट आता है, केवल 2 ही 3% जो है उसका प्लांट यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से।
लाइट इंटेंसिटी जो होती है वो उसमें वेरिएशन भी आते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक वाटर लेयर है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी मतलब कितना इंटेंस लाइट आता है, ठीक, और जो एटमॉस्फेरिक चीज़ें हैं वो वहाँ पे लाइट्स में वो इंटरफियर करती हैं, इसलिए अलग अलग लाइट इंटेंसिटी हमारे अर्थ पे पहुँचता है। फर्दर जो विजिटेशन है किसी एरिया का वो भी लाइट इंटेंसिटी के ऊपर प्रभाव डालता है, ठीक है। जैसे किसी ट्री के नीचे क्या होता है, डीप शेड आपको मिलेगा, या अंडर वाटर आप देखेंगे लाइट का पेनिट्रेशन कम हो जाता है, तो यही सब चीज़ें हैं। तो लाइट जैसा इन सब में जब लाइट में इंटरफियर करेंगे तो जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो भी इंटरफियर होता है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। लाइट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल वो करता है। अब आप उसको चाहे हमारे इकोसिस्टम में चाहे आप डोमिनेंट रोल देखिए, इनडायरेक्ट रोल देखिए या इनडायरेक्ट, ठीक है, बहुत चीज़ें कंट्रोल करता है हमारा ग्रोथ, स्ट्रक्चर, फॉर्म, साइज आता है, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट का। आपने पढ़ा था वहाँ पे मॉइस्चर और जो टेम्परेचर है, ये दोनों रोल है, जो आपका बायोम आपने पढ़ा था वहाँ पे यही आपने देखा था, और दोनों के दोनों ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप वही चीज़ें यहाँ पे भी बता सकते हैं एग्जाम्पल देके, कि देखिए वहाँ पे मॉइस्चर और ड्राइनेस कितना है, उसके बेसिस पे वेजिटेशन जो पाया जाता है हमारे अर्थ पे या हमारे इंडिया में वो डिसाइड करता है। तो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये ज़रूरी हैं, भले आपको लगे कि अरे यार इसको ना पढ़ें, स्किप कर दें, पर आप कैसे इनको छोड़ सकते हैं। लाइट का आपसे कोई वो पूछेगा तो आप बताएंगे ना कि भाई लाइट एक तो मेन चीज़ें हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, आप जो फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं उसकी वजह से, इसके मॉइस्चर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक, और ये सब चीज़ें हैं प्लांट जो है लाइट से, इन सब मामलों में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं 8-10, उन पे ये प्रभाव पड़ता है। पहला तो क्लोरोफिल सिंथेसिस पे, आपको शायद पता हो कि जो क्लोरोफिल का सिंथेसिस होता है प्लांट्स में वो भी लाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। क्लोरोफिल में जो कन्वर्जन होता है वो लाइट के प्रेजेंस में ही होता है। द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट्स कैन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लाइट नहीं रहेगी तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं होगा। ओके, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके देखा, अगर आप किसी को प्रोलॉन्ग डार्कनेस में रखते हैं तो वहाँ पे क्लोरोफिल जो होता है वो उसका अमाउंट डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं इफेक्ट ऑन नंबर एंड पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो लाइट है आपका, ये नंबर और जो पोजीशन होता है क्लोरोप्लास्ट, इस पे भी असर डालता है आपका, ठीक। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनेल है आपका। अब आप देखेंगे जब आपने कभी भी लीव देखा होगा तो जो अपर सरफेस होता है जहाँ पे पैलिसेड लेयर होता है वो क्या रहता है, वर्टिकल पोजीशन पे, वहाँ पे पैलिसेड लेयर, पैलिसेड सेल्स होते हैं जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक, और जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पे अरेंज होते हैं जो लाइट का डायरेक्शन होता है उसके, ठीक है। और वहीं आप लीफ का जो अंदर साइड पार्ट देखेंगे वहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कुछ ही नंबर पे रहते हैं, ज़्यादा नहीं होते। वहीं पैलिसेड लेयर जो होता है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो ठीक है, जिससे ये सब सरफेस मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइट की वजह से ही है। तो एक तो आपने देखा क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस पे, सेकेंड जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है, पोजीशन है, उस पर भी लाइट इफेक्ट डालता है। थर्ड बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की ही बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विच इज सब्सिक्वेंटली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये तो आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके जब ये जो चीज़ें हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ पे भी आपको पता है कि हाँ भाई फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लोअर। अब ये जो लाइट है इसके बेसिस पे भी फोटोसिंथेसिस स्लोअर होगी अगर लोअर इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, और इंक्रीज होता है धीरे धीरे जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है और एक कुछ टाइम बाद सेचुरेशन पॉइंट आता है जिसके बाद वो जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो उसी रेट से होगा। अब फोटोसिंथेसिस हो गया, अब लाइट का जो इफेक्ट है वो आपके फोटोसिंथेसिस पे ही नहीं रेस्पिरेशन पे भी होता है। जैसे प्लांट में है जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। केल्विन 1958 में कहते हैं कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज होता है, तो जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज होता है हायर लाइट इंटेंसिटी में, ठीक, एंड डिक्रीजेस एट लोअर लाइट इंसिटी, तो इंटेंसिटी, तो इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लाइट का इंटेंसिटी आप बढ़ाइएगा रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा, लाइट का इंटेंसिटी घटाइएगा रेस्पिरेशन डिक्रीज होगा। अब पांचों पे आते हैं कि लाइट का जो
इफेक्ट है वो ट्रांसपिरेशन पे कैसे पड़ता है। द राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विच मे बी ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ सोलर रेडिएशन इन टू हीट। अब क्या होता है, जो लाइट आपका पड़ता है, जो लीफ पड़ रहा है लाइट में, ख़ास बात क्या है, वो टेम्परेचर भी बढ़ाता है। तो आपने ये जब आप ट्रांसपिरेशन पढ़ते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं कि लाइट के साथ बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ता है। वहाँ पे लाइट के साथ स्ट्रोमेटा का ओपनिंग होता है और फिर लॉस ऑफ वाटर भी होता है, जो एरियल सर्फेसेस हैं आपके, लीफ वगैरह हो गए आपके, ठीक है। तो ये भी इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पे इस पे आते हैं इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। अब जो लाइट का यूज़ है ये हार्मोन के प्रोडक्शन में भी होता है। लाइट क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ऑक्सिन के सिंथेसिस को, या जो ग्रोथ हार्मोन्स है प्लांट में उसको, एज अ रिजल्ट ऑफ विच शेप एंड साइज ऑफ द प्लांट्स गेट मॉडिफाइड। तो जब ये इनहिबिट करेगा ऑक्सीजन और जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनके सिंथेसिस को लाइट इनहिबिट करेगा, तो फिर मॉडिफाइड फॉर्म में आपको देखेंगे, मतलब जब आप किसी पौधे को लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी में ग्रो कराएंगे तो क्या होगा, जब इन ये ग्रोथ हार्मोन्स का सिंथेसिस कम होगा तब तो आपको उसका स्ट्रक्चर जो नॉर्मल होता है वो नहीं मिलेगा, ठीक। अब सेवन्थ पे आते हैं इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। तो जो ये आपका लाइट है यहाँ पे, ये कैसे फ्लावर डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट और जो वेजिटेटिव पार्ट हैं उस पर असर डालता है। इंटेंसिटी कह रहा है, जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो लार्जली क्या इन्फ्लुएंस करता है, आपको मैंने अभी पिछले टॉपिक में ही बताया सिक्स पे, ग्रोथ ग्रोथ और ग्रोथ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये जो लाइट है आपका, ये फ्लावर्स के, फ्रूट के और जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसके डेवलपमेंट में भी असर डालता है। लाइट जो है हायर इंटेंसिटी का, वो फेवर क्या करता है कि फ्लावर का डेवलपमेंट हो, फ्रूट का डेवलपमेंट हो और सीड का डेवलपमेंट हो। तो जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो फ्लावर, फ्रूट, सीड का डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब लो इंटेंसिटी होती है, आप देखेंगे अगर किसी पौधे को आप छाया में ग्रो कराएंगे तो जो उसका फ्लावर, फ्रूट और सीड बनना होता है वो नहीं बनेगा, वो वेजिटेटिव कंडीशन में ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट में लाइट नहीं मिल रहा है। एट पे आते हैं इफेक्ट ऑन फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। अब ये भी है कि अगर आपका ही लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होता है तो जो आपने एंथोसाइनिन पिगमेंट के बारे में पढ़ा होगा वो जो है फॉर्मेशन को उसको प्रमोट करता है, और ये प्रमोट एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि एंथोसाइनिन खुद सेल्फ जो है हीट लाइट इंसेंटिव से बचाते हैं प्लांट को, ठीक है। नाइन्थ पे आते हैं इफेक्ट ऑन मूवमेंट। कैसे जो लाइट की लाइट है आपका वो कैसे मूवमेंट पे असर डालती है प्लांट का। द इफेक्ट ऑफ सनलाइट इन मॉडुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। और फोटोट्रॉपिज्म और हेलियोट्रॉपिज्म आपने पढ़ा होगा, ठीक, ये सभी प्लांट मूवमेंट में आएंगे आपके। तो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। जैसे आपने इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम पढ़ा, ठीक है, इलॉन्गेशन ऑन स्टेम, इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम टूवर्ड्स लाइट इज नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, एंड मूवमेंट ऑफ रूट्स अवे फ्रॉम लाइट इज नोन एज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो ये मूवमेंट आप देख रहे हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म रूट का और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म स्टेम का, तो ये क्या है, लाइट की ही वजह से हो रही है। तो ये लाइट इंड्यूस्ड मूवमेंट्स हैं आपके, और जो लीव्स हैं वो लाइट के ट्रांसवर्सली ग्रो करते हैं। टेंथ पे आते हैं कि कैसे जो लाइट है ये फोटो पर पीरियडिज्म पे असर डालता है। फोटो पीरियडिज्म क्या है, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे। जो डे का लेंथ होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे जो प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं वो आपका फोटो पीरियड, मतलब जो डे लेंथ होता है उसको फोटो पीरियड बोलते हैं, और ये जो रिस्पॉन्स है प्लांट्स का ये फोटो पीरियडिज्म कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द लेंथ ऑफ द फोटो पीरियड, द प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इन टू थ्री ग्रुप्स। और प्लांट्स जो है कैसे लाइट के रिस्पॉन्स, ये जो फोटो पीरियड है मतलब लेंथ ऑफ द डे, इसके रिस्पॉन्स में प्लांट्स को हम तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा है आराम, ठीक है, जानते हैं इसके बारे में, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो शॉर्ट में लॉन्ग डे प्लांट को LDP, शॉर्ट डे प्लांट्स को SDP और डे न्यूट्रल प्लांट्स को हम DNP बोलते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स की अगर हम बात कर लें, ये जो प्लांट होते हैं इनको 12 घंटों से ज़्यादा लाइट के ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है, मतलब दिन में जो है 12 घंटे से ज़्यादा इसको लाइट इंटेंसिटी मिलना चाहिए। इसमें आपके एग्जाम्पल हैं रेडिश, पोटैटो, स्पिनच, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए लॉन्ग डे प्लांट के। शॉर्ट डे प्लांट्स की अगर हम बात कर लें तो ये इसमें फ्लावरिंग कब आएगी, जब लाइट ड्यूरेशन क्या हो 12 घंटे से कम मिल रहा हो, इसमें आपके जितने भी सीरियल्स हैं
पोएसी फैमिली के मेंबर गेहूं चावल एक्सेट्रा टोबैको कॉस्मोस डहेलिया एक्सेट्रा शॉर्ट डे प्लांट्स के एग्जाम्पल है। डे न्यूट्रल प्लांट्स की बात कर लें तो ये जो है लिटिल रिस्पॉन्स इनमें होता है, ये मतलब डे लाइट के जो लेंथ हैं इसके लिए न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पे ऐसा 12 आवर्स पर डे या मोर देन 12 आवर्स पर डे या लेस देन 12 आवर्स पर डे का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कॉटन, बालसम एंड टोमेटो। तो ये हो गया। 11th पे आते हैं, कैसे लाइट अपना इफेक्ट डालता है सीड जर्मिनेशन पे। सीड जर्मिनेशन जो होता है सीड्स का, ये भी जो होता है लाइट के इन्फ्लुएंस के से होता है। बहुत सारे प्लांट में जो रेड लाइट है इंड्यूस करता है वो सीड जर्मिनेशन को, कुछ प्लांट में ब्लू लाइट प्रमोट करता है इस प्रोसेस को, और कुछ में फार लाइट है ये कह रहा है कि ये इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को। 12th पे आते हैं, इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, कि कैसे लाइट की इंटेंसिटी या लाइट खुद प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है। अब ये एक तो होगा आपका ड्यूरेशन, दूसरा इंटेंसिटी, मतलब ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए लाइट पड़ रहा है, और सेकेंड थिंग क्या हो गया आपकी इंटेंसिटी, कितना इंटेंस लाइट पड़ रहा है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन पे। जैसे मैंने आपको बायोम पढ़ाया था वहाँ पे भी आपने देखा था कि कितना रोल है आपके लाइट का। हेंस द विजिटेशन ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब यहाँ पे आप हैं, मान लीजिए इंडिया में, आप चाइना पे जाएंगे तो चाइना आपका ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो वहाँ का विजिटेशन आपको अलग मिलेगा, यहाँ पर विजिटेशन आपको अलग मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं 13, फोटोमार्फोजेनेसिस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है लाइट का। द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इन सीडलिंग स्टेज इज कंट्रोल्ड बाय लाइट। जो सीडलिंग स्टेज होता है, जब प्लांट का सीडलिंग स्टेज चल रहा होता है उसमें जो डेवलपमेंट होता है प्लांट्स का वो भी लाइट के प्रभाव से होता है। सीडलिंग प्रेजेंट इन डार्क कंडीशन और नॉन ग्रीन। अगर आपने कोई भी सीडलिंग ग्रो कराया होगा डार्क कंडीशन में तो आपको नॉन ग्रीन दिखेंगे, ठीक है, और वो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, पोली डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है, कोई फोलियो जिसमें नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको लाइट से एक्सपोज करते हैं तो ये क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। तो लाइट का प्रभाव अभी आपने देखा। अब ये तो बात हुई प्लांट्स की, एनिमल्स भी आपको पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है, कि जो लाइट है उसका एनिमल्स पे कैसे प्रभाव पड़ता है, ये आप यहाँ पे इसलिए पढ़ना आपको ज़रूरी है क्योंकि आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग या तो प्लांट का ही एग्जाम्पल पढ़ते हैं या तो एनिमल का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो मैं आपको ऐसा करने से मना करूँगा, क्योंकि देखो साइंस जो है उसमें आपको एग्जाम्पल, जितना किसी चीज़ का आप एग्जाम्पल से किसी स्टूडेंट को समझा पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और आपके पास ये जो सारे मैंने 13 पढ़ाए यहाँ पे टॉपिक, लाइट कैसे इन्फ्लुएंस करता है प्लांट्स को, यही सारे आप सब टॉपिक ऑफ एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर आप किसी को समझाएंगे कि लाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो अब आप इसमें दोनों का एग्जाम्पल किसी को भी आराम से बता सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लाइट का जो इफेक्ट होता है, और ये नेटवेट एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है आगे चल के अगर आप देंगे तो जो लाइट होता है एनिमल्स के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बिसाइड द मल्टी फेरियस इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट ओवर प्लांट, आपने प्लांट में देखा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है एनिमल्स की, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारे जो सारे फैक्टर्स हैं ये सब भी लाइट लाइट द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि लाइट का जो इफेक्ट है वो मेटाबॉलिज्म पे कैसे पड़ता है, ठीक है। द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन एनिमल इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट इंटेंसिटी थ्रू एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है जो मेटाबॉलिज्म होता है एनिमल में वो क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी वहाँ पे असर डालती है कैसे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करके। अगर आपने कभी ग्राफ पढ़ा होगा, एंजाइम्स का एक वो होता है कि वो स्पेसिफिक वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अच्छा एक्टिविटी शो करते हैं। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उनकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है, और अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हैं फिर भी उनकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है इसके लिए आपको क्या करना है कि जो वो है लाइट की इंटेंसिटी है वो ऑप्टिमम रखना है, ठीक, ओके। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म पे, यही सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि एक्टिविटी क्या होगी, लाइट जब हायर रहेगा तो एक्टिविटी जनरल रहेगी, लो या बहुत ज़्यादा हाई होता है तब प्रॉब्लम होता है। दूसरे पे आते हैं इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन पे कैसे इफेक्ट डालता है। केस ऑफ सम एनिमल्स एंड बर्ड्स
जो ब्रीडिंग एक्टिविटी होता है वो लाइट डिपेंडेंट होता है, ठीक। इन एडिशन देयर एग्जिस्ट अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ द डे, और जो फोटो पीरियड हुआ इसका भी असर पड़ता है बर्ड्स पे, जो एग लेइंग बर्ड्स हैं उन पे अमाउंट ऑफ लाइट जो होता है ये क्रिटिकल होता है वहाँ पे, ठीक। थर्ड आते हैं डेवलपमेंट पे कैसे असर डालता है लाइट। तो लाइट हैज़ डिफरेंशियल एक्शन ओवर डेवलपमेंट, तो लाइट का भी रोल है डेवलपमेंट पे। जैसे आपने प्लांट पे देखा वैसे एनिमल में, कुछ एनिमल जो होता है लाइट के प्रेजेंस में उनका डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो जाता है, और कुछ केसेस में लाइट के प्रेजेंस में उनका डेवलपमेंट रिटार्ड होता है। फिर जैसे कि सालमन लार्वे जो होते हैं, सालमन मछली जो होता है उसके लार्वे वो ग्रोस लार्जर इन डार्क डार्कनेस में वो लार्ज हो जाते हैं, ठीक। और फोर्थ पे आते हैं पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन तो आपको पता है आपके बॉडी पे भी लाइट का असर पड़ता है। आप अगर ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो आप मोस्टली डार्क कलर के होते हैं, और अगर आप ऐसे ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं तो वहाँ पे उनका स्किन का कलर लाइट होता है, ठीक। और ये ज़रूरी होता है, अडाप्टेशन है ये एक तरीके का। इट इज़ सीन दैट हायर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाई विल बी द पिगमेंटेशन। जैसे कि ह्यूमन इनहेबिटेंट्स हैं ट्रॉपिकल रीजन में जो होते हैं, जैसे हम लोग हैं यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन होता है मिलेनिन का, ठीक है, और वो कंपेरेटिवली डार्कर होते हैं टेम्परेट रीजन वालों से, ठीक है। फिफ्थ पे आते लोकोमोशन में कैसे लाइट हेल्प करता है, तो जैसे आपने प्लांट पे देखा वैसे यहाँ पे एनिमल के लिए है, एनिमल तो मूव कर सकते हैं। कुछ लोअर एनिमल्स जो होते हैं वो लाइट कंट्रोल करता है उनके स्पीड ऑफ लोकोमोशन का, एंड सच अ प्रोसेस नोन एज फोटोकाइनेसिस। फोटो लाइट के रिस्पॉन्स में जो लोकोमोशन हो फोटोकाइनेसिस कहलाएगी। यहाँ पे दो टाइप के हैं आपके, फोटोटैक्सिस और फोटोट्रॉपिज्म। फोटोटैक्सिस देख लेते हैं, ये क्या है, ये मूवमेंट है एनिमल का रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस। जो लाइट का स्टिमुलस आपको मिल रहा है उसके रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होती है वो फोटोटैक्सिस कहलाती है। अगर कोई एनिमल कोई लाइट सोर्स की तरफ बढ़ता है तो ये पॉजिटिव फोटोटैक्टिक हुआ, और अगर वो लाइट के सोर्स आने पे उससे दूर भागता है तो वो नेगेटिवली फोटोटैक्टिक एनिमल हुआ। सेकेंड आते हैं फोटोट्रॉपिज्म पे। व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टू मूवमेंट टू लाइट स्टिमुलस इट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। कह रहा है अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट ही केवल रिस्पॉन्सिव होता है लाइट स्टिमुलस के लिए, ठीक, तो वो फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। इट इज सीन इन द केस ऑफ सेसाई एलिमेंट्स के केस में ये देखा जाता है, ठीक। अब सिक्स आते हैं फोटो पीरियडिज्म। ये सब एनिमल के चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। द रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू द लेंथ ऑफ द डे और द रिदम्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड फोटो फेज बोला जाता है, एंड द पोर्शन ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड स्कैटो फेज, ठीक। तो वही जो रिदम्स होता है लाइट और डार्कनेस का उसे हम फोटो फेज कहते हैं, और जो डार्कनेस जो लाइट का फेज होता है उसे फोटो फेज बोलते हैं, और जो डार्कनेस का फेज होता है उसे स्कैटो फेज बोलते हैं। और यही ये रिदम है लाइट का, ठीक है, लाइट और डार्कनेस का, ये फोटो पीरियडिज्म है एनिमल्स के लिए। अब आइज पे देख लेते हैं इफेक्ट क्या पड़ता है, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आइज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब कह रहा है जो आइज का डेवलपमेंट होता है ये डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी की डिग्री क्या है, ठीक। कुछ एनिमल में आप देखेंगे जो केव में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कुछ डीप सी फिशेज हो गई, उनमें आइज अब्सेंट होती है, या अगर होता है तो रुडिमेंट्री होता है, कि वो टोटल डार्कनेस में रहती है, उनको आइज की जरूरत नहीं होती। दस फ्रॉम द अबो डिस्कशन इट इज क्लियर दैट लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एबायोटिक फैक्टर विच प्रोड्यूसेस डाइवर्स इकोलॉजिकल इफेक्ट। तो अभी सारा आपने इतना एग्जाम्पल देखा एनिमल्स के केस में, प्लांट्स के केस में, लोकोमोशन हो, रिप्रोडक्शन हो, डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, बहुत सारी चीज़ें जो है मॉर्फोलॉजी पे, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ठीक है, उनके सर्वाइवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लांट है उनका, ठीक है, जो हम अपने आसपास देखते हैं वेजिटेशन, एनिमल्स, सभी जो है लाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर आप गल्ला किसी कुछ ऐसा अगर आज हो जाए कि लाइट चेंज हो जाए, जो जिस इंटेंसिटी पे हमारे यहाँ होता है अगर वो एकदम से बदल जाए ड्रास्टिकली, तो आपको मेजर चीज़ें देखने को मिलेंगी एनिमल और प्लांट्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी और चारों ओर उनमें, ठीक है। अब कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ, जो सन से रेज आता है शायद आपको पता होगा, यहाँ पे 1 नैनोमीटर से लेकर 10 टू पावर माइनस 9 मीटर
1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^9 नैनोमीटर, और यहाँ पे 0.1 नैनोमीटर से लेके 10,000 नैनोमीटर तक के लाइट जो होती है, अब कह लीजिए जो सन से आता है, पर अर्थ पे हमारा केवल जो है ये विजिबल लाइट ही आता है, बाकी सारे जो है ये रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं अर्थ पे पहुंचने से पहले ही, अर्थ तक ये नहीं पहुंच पाते। कुछ अभी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन था, कुछ हिस्सा आने लगा था अर्थ पे, वो किसकी वजह से, ओजोन लेयर जो आपका डिप्लीशन हो रहा था, ठीक, ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आया जिस पे बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे थे। तो क्योंकि ये हार्मफुल रेज होती हैं, विजिबल लाइट जो हमारे अर्थ पे पहुंचती है, जैसे विबग्योर आप बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं वायलेट, ओके, ये जो विजिबल लाइट है इसे आप विबग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक, फिर उसके बाद रेड के बाद इंफ्रारेड, 700 के बाद आता है। तो ये लाइट है जो हमारे अर्थ पे आता है, विजिबल लाइट ही आता है, बाकी सारे रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, और यही यूज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। अब एक टर्म है एल्बिडो वैल्यू, इसका इसके बारे में भी आप जान लीजिए, द एबिलिटी ऑफ अ सर्फेस टू रिफ्लेक्ट द इनकम रेडिएशन लाइट इज कॉल्ड एल्बिडो वैल्यू, इट इज 80% फॉर फ्रेस, किसी सर्फेस की एबिलिटी की जो लाइट आ रहा है उसको वो कितना रिफ्लेक्ट करता है, वो जो वैल्यू होता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो वैल्यू, AV बोला जाता है। अब ये सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, फ्रेश स्नो के लिए, जो फ्रेश स्नो गिरता है। अब है कि आपको बोला जाता है कि पहाड़ों पे अगर आप जाइए तो गॉगल्स लगा के जाइए, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे जो फ्रेश स्नो रहता है वो लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, वो आपकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो एल्बिडो वैल्यू फ्रेश स्नो के लिए 80% है, 80% है ये वैल्यू फ्रेश स्नो के लिए, 20-30% है सैंड के लिए, फॉरेस्ट के लिए देखिए 5-10% है। इसीलिए जब आप फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं आपकी आपको बहुत वहाँ पे प्लीजेंट महसूस होता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं वो ज़्यादा लाइट, ठीक। आउट ऑफ द टोटल सनलाइट ओनली 1-5% इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस, और जो भी सनलाइट आती है हमारी अर्थ पे जितना भी रीच करती है उसमें से केवल प्लांट जो है 1-5% ही यूज़ करते हैं, और ओनली 2-10% ऑफ पावर इज यूटिलाइज बाई प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। और जो वो है लाइट आता है आपका, इसमें से भी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो है इसमें से केवल 2-10% का ही यूज होता है प्लांट द्वारा, ठीक है। अब एक और चीज है जो आपको जानना यहाँ पे जरूरी है कि लेक में स्ट्रेटिफिकेशन होता है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब आपने अगर पढ़ा होगा फॉरेस्ट वगैरह के बारे में, जैसे वहाँ पे स्ट्रेटा बनता है, ठीक है, लेयर बनता है ट्रीज का, श्रब्स का, फिर ग्रासेस का, वैसे ही लाइट कहाँ तक पहुँच रही है एक लेक में, उसके बेसिस पे भी वहाँ पे लेयर्स पाए जाते हैं, आप उसको स्ट्रेटा में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे डीप लेक की बात कर रहे हैं, मतलब गहरा लेक हो वहाँ पे जोनेशन या स्ट्रेटिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जोन्स डिफ्रेंशिएटेड इन अ डीप लेक। तो एक जो डीप लेक होता है वहाँ पे लाइट कितना पहुँचता है इसके बेसिस पे आप उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो क्या हो गया आपका लिटोरल जोन, ठीक है, एक हो गया आपका लिटोरल जोन, बी लिम्नेटिक जोन, थर्ड सी प्रोफंडल जोन। लिटोरल जोन क्या है, दिस जोन इज फाउंड एट द बैंक ऑफ द लेक, ये लेक के किनारे वाले जो शैलो वाटर जहाँ पे रहते हैं, छिछला पानी जहाँ पे रहता है, या मार्शी बैंक जो होता है उसको हम लिटोरल जोन बोलते हैं, और यहाँ पे आपको रूटेड वेजिटेशन मिलेंगे, मतलब जो प्लांट रहेंगे आपके वो उनका रूट आपको देखने को मिलेगा, जमीन में ही रहेगा, ठीक। अब लिम्नेटिक जोन आता है सेकेंड, ये जो जोन है यहाँ पे लाइट सफिशियंट अमाउंट में पहुँचती है लेक में, टू द इंटायर सर्फेस एरिया, इट मीन्स दिस इज नॉट टू डीप, ये मतलब ये जो एरिया है ये काफ़ी गहरा नहीं होता, यहाँ तक लाइट पहुँचती है। एक लिटोरल जोन हो गया जो छिछला हो गया, यहाँ पे छिछला पानी रहता है, सेकेंड एक छिछला नहीं होता यहाँ पे लाइट लेकिन यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट में पहुँचती है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोटिंग प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन, सस्पेंडेड या सबमर्ज प्लांट जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड प्रोफंडल जोन होता है, ये बहुत ही गहरा जो रीजन होता है लेक का वो आता है, यहाँ पे लाइट प्रॉपरली पहुँचती नहीं है नीचे तक,
ओनली हेटरोट्रॉफ्स आर प्रेजेंट इन जून, केवल यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स नहीं रहते, यहाँ पे केवल हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स या एनिमल्स रहते हैं। तो ठीक है, जैसे ये हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सनलाइट हो गया। अब ये आपका जैसे ये लेक है, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये सारा लेक है आपका, ठीक है। ये लिटोरल जोन हो गया जो मैंने आपको पहला बताया, ये यहाँ पे छिछला पानी होता है, ठीक। यहाँ पे आपको रूटेड प्लांट्स मिलेंगे, ठीक, लिटोरल जोन में। अब सेकेंड आता है लिमनेटिक जोन, बाकी के जो सारे छिछले को छोड़ के बाकी जो पोर्शन हो गया ये आपका क्या हो गया, ये आपका लिमनेटिक जोन में आता है जहाँ पे लाइट सफिशियंट अमाउंट में पहुँचता है। अब फिर वहाँ पे आता है ये प्रोफंडल जोन, और फिर आपका क्या आ गया, बेंथिक जोन, ठीक है। यहाँ पे वैसे प्रोफंडल जोन तक ही है, बेंथिक एकदम नीचे बॉटम वाला हो गया, तो इसको आप प्रोफंडल जोन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक लाइट जो होता है सफिशियंट अमाउंट में नहीं रहती, यहाँ पे तो ऑटोट्रॉफ रहते हैं, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके हेटरोट्रॉफ ज़्यादा मिलेंगे। तो ये डीपनेस है यहाँ पे लो, ये हाई, ठीक। लाइट एंड ऑक्सीजन लेवल बता रहा है, ऊपर लाइट और ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, नीचे लाइट और ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो ये लाइट के ही बेसिस पे है। अब देख लेते हैं कि ये तो लेक का हो गया, ओशंस में कैसे होता है, कैसे कितने जोन्स हम कैटेगराइज कर सकते हैं लाइट के बेसिस पे। अब ऑल द ओशन बेसिन आर रफली ऑफ द शेप ऑफ अ वॉश बेसिन और अ इन्वर्टेड हैट, कह रहा है जो आपका ओशन होता है उसका शेप कैसे होता है, समझ लीजिए। जैसे वॉश बेसिन आपने देखा होगा, ये वॉश बेसिन का जो शेप होता है ऐसे ही आपका ओशन होता है, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और आपका टाइप 3 भी है। टाइप 1 आते हैं, पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फ्रॉम द कोस्ट लाइन। अब जो आपका समुद्र का किनारा रहता है, एक ग्रेजुअली स्लोप करता हुआ जाता है करीब 160 किलोमीटर के अंदर। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, ये ओशन हो गया, ओशन ऐसे रहता है, तो ये कोस्ट लाइन, यहाँ से 160 किलोमीटर का एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्लोप बनता हुआ जाता है, ठीक। दिस जोन इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और ये जो रीजन हो गया इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, ठीक। एंड हैज़ अ डेप्थ ऑफ 8 to 200 मीटर, और जो इसका डेप्थ होगा यहाँ पे कितना होगा, 8 to 200 मीटर। द एंगल ऑफ द स्लोप देन अब्रप्टली स्टीपेंस द फॉर्म द कॉन्टिनेंटल स्लोप, और यहाँ पे फिर ये जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप बनता है। द कॉन्टिनेंटल स्लोप लेवल्स ऑफ इनटू अ मोर और लेस हॉरिजेंटल ओशन फ्लोर, ये मोर और लेस आपको हॉरिजेंटल दिखेगा, ये मतलब यहाँ पे खत्म होता है हॉरिजेंटल फ्लोर पे। द डेप्थ ऑफ द ओशन फ्लोर इज द रेंज ऑफ सेवरल 1000 मीटर का ये आपका हो सकता है, ठीक है, मोर देन 1000 और डीप हो सकता है। सेकेंड, बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, ये तो हो गया कितना डीप है, क्या रेंज आ रहा है, कितने मीटर का, लाइट की अवेलेबिलिटी कहाँ है इस ओशन में, ठीक। द वर्टिकल जोन्स ऑफ द ओशन आर डिटरमिन्ड बाय अवेलेबिलिटी और पेनिट्रेशन ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट कहाँ तक कितना, पहला आप बोल सकते हैं कि फोटिक जोन, ठीक है, फोटिक, फोटिक पे आते हैं, पहला फोटिक या जिसे यू फोटिक जोन बोलते हैं, ये अपर लाइटेड जोन होता है करीब 200 मीटर का। तो समुद्र का जो पार्ट है 200 मीटर तक, सरफेस से लेके ऊपर से लेके आप नीचे गहराई में जाएंगे, 200 मीटर तक का जो जोन होता है ये फोटिक जोन कहलाता है। सेकेंड, अफोटिक जोन, अफोटिक जोन ये मिडिल रीजन होता है ओशन का जहाँ पे डिफ्यूज लाइट जाती है, ठीक है, मतलब सारे नहीं जाते कुछ, विच इज इनसफिशियंट फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये जो डिफ्यूज लाइट होती है ये फोटोसिंथेसिस के लिए सफिशियंट नहीं होती है, ये 200 से लेके 2000 मीटर तक के डेप्थ तक हो सकता है। थर्ड आता है आपका एबिसल जोन, ये डीपर पार्ट होता है जहाँ पे लाइट जो होती है 2000 मीटर के नीचे नहीं जाती है, उसके बाद का जो पोर्शन हुआ आपका वो एबिसल जोन हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमेशा डार्कनेस रहता है। थर्ड, ये तो हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, थर्ड एनवायरनमेंट के बेसिस पे भी यहाँ पे हम जो ओशन है उनको 3 डिवीजन में बांट सकते हैं, ठीक। पहला तो लिटोरल जोन आपका, ओके, लिटोरल जोन, द बेंथो बेंथोनिक जोन, द पेलागिक जोन। लिटोरल जोन पे आते हैं, कंप्राइज द सी फ्लोर फ्रॉम द शोर टू द एज ऑफ द
कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये कौन सा है? लिटोरल जोन। लिटोरल जोन, अब मैं अगर ऐसा बना दूँ तो लिटोरल जोन आपका ये कहलाएगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ तक, सी फ्लोर से लेके कॉन्टिनेंटल सेल्फ तक जो है ये लिटोरल जोन होता है, ठीक है। फिर आया बेंथोनिक जोन, फ्रॉम द सी फ्लोर अलॉन्ग विद द कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप से लेके, सॉरी ये यहाँ तक का केवल पोर्शन होगा पहला, दूसरा यहाँ तक का हो गया पोर्शन आपका, ठीक है। ये अफोर्टिक या एबिसल जोन कहलाता है। थर्ड पिलैगिक जोन कंस्टिट्यूट द वाटर ऑफ द ओशन बेसिन, ये क्या बनाता है आपका, ये जो वाटर वाले जितने पार्ट हैं वो आपका बनाता है पिलैगिक जोन कहलाता है। इसका आपको फिगर देखना होगा, मैंने यहाँ पे फिगर नहीं डाला है। अब एक चीज़ आपको, दो चीज़ें यहाँ पे नोट करनी होगी, जो सैलो शोर होता है मरीन एरिया का उसे हम नीरिटिक जोन बोलते हैं। सेकेंड, द पार्ट हैव बीन कट फ्रॉम द रिवर इज कॉल्ड ऑक्स ब्लो लेक बोलते हैं, जो पार्ट रिवर से कट ऑफ हो जाता है उसे हम ऑक्स ब्लो लेक बोलते हैं। थर्ड, इश्यूरीज के बारे में तो आपको पता होगा, द रीजन वेयर रिवर इंटर इन द ओशन आर नोन एज इश्यूरीज। तो ये क्या था आपका, लाइट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं टेम्परेचर पे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहला पार्ट आपने पढ़ा लाइट के बारे में, सेकेंड हम आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जो होता है मोस्टली आपको पता है ये मेजरमेंट हम डिग्रीज में करते हैं हीट, लाइक लाइट, जैसे कि लाइट आपका हीट जो है ये भी एक फॉर्म है एनर्जी का। जो रेडिएंट एनर्जी जो सनलाइट हम रिसीव करते हैं उसको ही जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। हीट को हम किस में मेज़र करते हैं, कैलोरीज में मेज़र करते हैं। टेम्परेचर एट विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एट देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो ये कुछ भी हो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो, चाहे लाइट पे हो या किसी पे हो, तो उसे ऑप्टिमम लाइट बोलेंगे। टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें हैं, मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम टेम्परेचर आर कॉल्ड द कार्डिनल टेम्परेचर्स। और जैसे आप कोई अगर ग्राफ बनाते हैं ये ऐसे, तो ऐसे टेम्परेचर इधर लोवेस्ट, इधर मीडियम, इधर हाईएस्ट, तो पूरा का पूरा बोल रहा है इसे कार्डिनल टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, द कार्डिनल टेम्परेचर वरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, और ये स्पीसीज टू स्पीसीज वरी होती है, मतलब कौन सा मिनिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है और मैक्सिमम टेम्परेचर है, जैसे आप कार्डिनल टेम्परेचर बोल रहे हैं, ये स्पीसीज टू स्पीसीज वरी करता है, ठीक, उसके लिए क्या है, ठीक। और किसी एक इंडिविजुअल के पार्ट से पार्ट भी उसके वरी कर सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एनिमल्स आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी जो होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इन्फ्लुएंस होता है। तो अब आते हैं, पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, इन अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो लाइट के तरीके से, जितना भी आपने लाइट के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी लाइट के बारे में, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका टेम्परेचर भी है यहाँ पे। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ब्रीफली लिस्टेड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑन सेल एंड प्रोटोप्लांट। प्रोटोप्लांट पे हमारे या सेल पे क्या प्रभाव पड़ता है? जब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है आप देखेंगे वो फ्रोजन भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, इन द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर होगा तो प्रोटीन जो है हमारे प्रोटोप्लाज्म के वो कॉगलेट हो सकते हैं। तो दोनों के दोनों केस में टेम्परेचर का अहम रोल है, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीमली हाई भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड पे आते हैं हम, ओके, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। इन द प्रेजेंस ऑन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब मेटाबॉलिज्म पे जो असर पड़ रहा है वो एक्चुअली एंजाइम की वजह से पड़ रहा है। तो जो टेम्परेचर है आपका, उसका एंजाइम पे क्या असर पड़ता है, तो वही है, अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपकी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन ये जब आप ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और एंजाइम डिसफंक्शन होने की वजह से फिर वो बाद में एक्टिव भी नहीं रह जाता, ठीक। थर्ड आते हैं, टेम्परेचर का जो है रिस्पॉन्स, जो इफेक्ट है वो रेस्पिरेशन पे क्या पड़ता है, कह रहा जो रेस्पिरेशन होता है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन यूजली डबल्स एज पर द वॉन्ट हॉफ्स लॉ विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे जो रेस्पिरेशन का रेट है वो डबल हो जाएगा। अगर आप 10 सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो जो आपका रेस्पिरेशन है वो 2 टाइम हो जाएगा, ठीक।
इन केस ऑफ पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। ठीक है, तो पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। चौथे पे आते हैं, इफ डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है। द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। कहता है जो प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है और पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। ठीक, द डेवलपमेंट ऑफ एग्स एंड लार्वी इज हायर इन द हॉट क्लाइमेट्स कम्पेयर टू कोल्ड क्लाइमेट्स इन केस ऑफ पाइक्लोथर्मिक। इसलिए पाइक्लोथर्म आपने पढ़ा होगा, कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और एक वार्म ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। तो जो कोल्ड ब्लडेड हैं उनको हम पाइक्लोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं। तो वही कह रहा है, जो प्लांट्स हैं और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें जो डेवलपमेंट है वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे डेवलपमेंट हुआ एग का या लार्वा का, वहाँ पे हाई होता है हॉट क्लाइमेट्स में कंपेयर टू कोल्ड क्लाइमेट्स। ठीक, इफेक्ट ऑन ग्रोथ पे देखते हैं। ग्रोथ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो पाइकिलोथर्मिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड, इंडिकेट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। उनमें भी टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे होम्योस्टेसिस नहीं होता वार्म ब्लडेड एनिमल्स की तरीके से। या तो जैसे सीडलिंग है बहुत सारे प्लांट का, उनमें इलॉन्गेशन होता है हाइपोकॉटिल का, तो ग्रोथ पे इसका भी असर पड़ता है। सिक्स पे आते हैं, इफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। ट्रांसपिरेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का, तो पता ही होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वाटर ज़्यादा होगा रिमूव प्लांट सर्फेस से, और ट्रांसपिरेशन क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पे जो गोनेट्स होते हैं या जो गेमेटो होता है, उनके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, विच वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीडिंग पीरियड्स एंड द मैचुरेशन ऑफ गोनेट्स अकर एट डिफरेंट टाइम। एनिमल्स का जो ब्रीडिंग पीरियड होता है, जो मैचुरेशन होता है गोनेट्स का, वो डिफरेंट टाइम पे होता है। ऑल दीज आर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर बेस्ड ही होता है। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। एट एट पे आते हैं, इफेक्ट ऑन सेक्स रेशियो पे, कैसे टेम्परेचर। द सेक्स रेशियो इन द पॉइक्लोथर्मिक एनिमल, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के पॉपुलेशन होते हैं उसमें जो सेक्स रेशियो होता है वो भी डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। देर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेल इंडिविजुअल। कुछ कुछ जगह ऐसा है कि मेल इंडिविजुअल जो होते हैं उनके नंबर पे इंक्रीज होता है टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कोपैड मैको एक कोई आर्थोपॉड है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे वहाँ पे मेल जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। फिर आते हैं हम नाइन्थ पे, मॉर्फोलॉजी पे क्या असर पड़ता है टेम्परेचर का। कुछ जॉर्डन का रूल है, ये सब रूल्स है इकोलॉजी में, खास तौर पर नेट वेट एग्जाम में, ठीक, कहीं कहीं ऐसे भी पूछ लेता है किसी एमएससी में। जॉर्डन का रूल होता है, जैसे फिशेज लिविंग इन लो टेम्परेचर, जो फिशेज होती हैं लो टेम्परेचर पर रहती हैं, लो टेम्परेचर के वाटर में, वहाँ पे दे हैव मोर नंबर ऑफ वेस्टिब्यूल दैन देयर काउंटर पार्ट। वहाँ पे वेस्टिब्यूल होता है वो ज़्यादा होता है इन द हाई टेम्परेचर वाटर रीजन। ठीक है, उनमें ज़्यादा होता है कोल्ड वाले में, ठीक, लो टेम्परेचर वाले मछलियों में वेस्टिब्यूल का संख्या ज़्यादा होता है हाई टेम्परेचर वाले से। अब एक और प्रिंसिपल है यहाँ पे बर्गमैन रूल का, जहाँ पे ये बता रहा है जो होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं, मतलब वार्म ब्लडेड, वो वार्म ब्लडेड एनिमल जो कोल्डर क्लाइमेट में होते हैं वो लॉन्गर साइज के होते हैं। ठीक है, जो हॉट रीजन्स में रहने वाले होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं उन्हें से, एज पर द एलेंस रूल। अब एक एलेंस रूल आता है जहाँ पे टेल, स्नॉट या लेग्स जो हो गए वो कंपेरेटिवली स्मॉलर होते हैं इन द मेमल्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। एलन के रूल के अनुसार जो कोल्ड क्लाइमेट के मेमल्स होते हैं उनमें जो टेल होता है, स्नॉट होता है या लेग्स होता है, वो कंपेरेटिवली स्मॉलर होते हैं हॉट क्लाइमेटिक रीजन वाले मैमल से। ठीक, इसको मैं अभी थोड़ा सा चार्ट से भी समझाऊंगा। इफेक्ट ऑफ कलरेशन, कलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एज अ प्रिंसिपल ऑफ ये है गॉल्गीज रूल के हिसाब से, जो बॉडी कलर होता है एनिमल्स का वो भी इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर से। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने वाले जो बर्ड्स और मैमल्स हैं उनका पिगमेंटेशन डार्कर होता है, और कोल्ड और क्लाइमेट वाले का डार्कर नहीं होता है। यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल्स, तो यहाँ पे ये पाँच, इसको आप याद रखिएगा। पहला बर्गमैन रूल, बर्ड्स एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज। कह रहा है जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, मतलब कौन, वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनका बॉडी साइज
ज़्यादा होता है कोल्ड रीजन में और लेस होता है वार्म रीजन में। ये क्या है? बर्गमैन रूल। ध्यान में रखिए, बर्गमैन से बी, बर्गमैन से बड़ा आप याद रखिएगा, बिग, बर्गमैन मीन्स बिग। तो जो होमियोथर्म्स हैं उनका बॉडी साइज बड़ा होता है कहाँ पे? कोल्ड रीजन में। ठीक, सेकंड आते हैं एलेंस रूल पे, वही हुआ, टेल्स जो ईयर्स लिम्ब आइज होते हैं, या स्नॉट हो गया, हेयर्स होते हैं मैमल के, वो स्मॉलर होते हैं कोल्डर रीजन में। ठीक, तो ऐसे पार्ट जो निकले हुए रहते हैं बाहर से, कान वान हो गए हमारे, वो ठंडे प्रदेशों में छोटे ही रहेंगे। ठीक, और वार्म रीजन में ज़्यादा होते हैं, इसका भी रीजन है हीट लॉस ना हो। तो एलन जॉर्डन्स रूल क्या कहता है? वही हो गया, फिशेज इन कोल्डर वाटर पजेस मोर वर्टिब्री देन डोज लिविंग इन वार्म वाटर। ठीक, कोल्डर जो वाटर में फिशेज हैं उनमें वर्टिब्री ज़्यादा होता है काउंटर पार्ट टू देयर वार्म वाटर। ठीक, फोर्थ ग्लॉगर रूल आ गया, वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं हॉट एंड हैमिड एरिया वाले ट्रॉपिकल रीजन के, वो डार्कर, तो वही स्किन वाला है ग्लॉगर रूल, आप याद रखिएगा, हैवीली पिगमेंटेड दैन कोल्ड एरिया। अब एक रेंचेस रूल है, बर्ड इन कोल्ड रीजन हैव नैरो विंग्स एंड इन वार्म रीजन हैव ब्रॉडर विंग्स। तो इनका बर्ड के लिए है कि जो कोल्ड रीजन के बर्ड्स हैं उनका विंग्स नैरो होता है, वार्म रीजन वाले के ब्रॉडर विंग होते हैं। ओके, और एक आप याद रखिए, द वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड लैप्स रेट। एक डिफिनेशन है लैप्स रेट का, कह रहा है जो वर्टिकल, ये जो मतलब अर्थ के सरफेस पे आप जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर चेंज घटता बढ़ता रहता है, तो इसे लैप्स रेट बोलते हैं। उसका वैल्यू क्या है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर एलिवेशन, मतलब 1000 मीटर के एलिवेशन पे या 1 किलोमीटर एलिवेशन पे आपको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हमने लाइट के बारे में देखा था, वैसे ही थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देख लेते हैं लेक्स में। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन अकर्स इन डीप वाटर बॉडी। ये जो डीप वाटर बॉडी होता है वहाँ पे आपको, छोटे से नहीं, जो डीप वाटर बॉडीज होती हैं, लेक्स होते हैं, वहाँ पे आपको थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन भी मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट डिफरेंट डेप्थ, मेनली थ्री लेयर और जोन्स अकर इन वाटर। और आपको वहाँ पे मेनली तीन लेयर मिलेगा, पहला एपिलिमिनॉन मिनियॉन, सेकेंड मेटालिमिनियॉन या थर्मोक्लाइन इसे बोलते हैं, थर्ड हाइपो। तो ईपी मेटा हाइपो से आप आराम से याद रख सकते हैं कौन ऊपर है कौन नीचे। टॉप लेयर ये वार्म्थ रहता है। ठीक, सेकेंड मिडिल रीजन वेयर स्टेडी डिक्लाइन इन टेम्परेचर और ग्रेजुअल चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे आपको चेंज दिखेगा टेम्परेचर में ऊपर से, और हाइपोमिडियन बॉटम विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। जो बॉटम रीजन होता है वो टेम्परेचर से इफेक्टेड अफेक्टेड नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए कहाँ ऐसे क्यों ऐसा होता है, कह रहा समर के टाइम पे जब गर्मी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर हाई रहता है, जो सरफेस होता है वाटर का वो क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। वेयर इज जो लोअर लेयर होता है वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट वो है एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो ज़्यादा गर्म रहेगा, नीचे का उतना गर्म रहता नहीं है। विंटर में ये इसी का अपोजिट होता है, वाटर ऊपर क्या होती है? फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है ऊपर, और नीचे टेम्परेचर, वेयर इज इन लोअर लेयर टेम्परेचर इज अबाउट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, उतना ठंडा नहीं रहता। ठीक है, द सरफेस वाटर इज कूल ड्यूरिंग ऑटम, और ऑटम के टाइम पे जो वाटर का सरफेस रहता है वो ठंडा रहता है और वार्म्ड हो जाता है स्प्रिंग में, और स्प्रिंग में गर्म रहता है। दिस रिजल्ट इन अ फ्री मिक्सिंग ऑफ वाटर इन अ होल वाटर बॉडी। और ये क्या होता है, इससे वहाँ पे मिक्सिंग होती रहती है, आप देखेंगे वाटर का, आल्सो नोन एज ऑटम एंड स्प्रिंग टर्नओवर, को भी आपको फिगर से दिखाता हूँ। ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड ऑटम ड्यू टू टर्नओवर ऑफ वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, और इससे टर्नओवर साथ साथ में गर्म गर्म पानी ठंडे पानी का टर्नओवर होने के साथ साथ जो वाटर के ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हैं वो भी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और वहाँ पे ब्लूम फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ होता है ज़्यादा ड्यूरिंग विंटर एंड समर में। ठीक है, ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज लो ड्यू टू द लो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ठीक, और हमें फाइटोप्लैंक्टन का जो ग्रोथ होता है वो कम होता है, फिगर से आप समझिए। ये मान लीजिए आपका समर का सीजन है, यहाँ पे वार्म लेयर होगा, थर्मोक्लाइन रहेगा, यहाँ पे कूल लेयर रहेगा। ठीक, अब ऑटम जो होगा, जब ऑटम आने लगेगा तब ये वाटर मिक्स होने लगता है। ठीक है, वाटर यहाँ पे मिक्स होने लगेगा,
उसके बाद जब विंटर आएगा तो ऊपर का ज़्यादा ठंडा हो जाएगा आइस, और नीचे कम ठंडा रहेगा। फिर ऐसे ही जब स्प्रिंग आता है फिर से वाटर का मिक्सिंग हो जाता है, मतलब गर्म पानी यहाँ पे ऊपर आता है, ठंडा पानी नीचे जाता है। वैसे ही एटम टर्नओवर में क्या होगा, कूल जो ठंडा पानी है वो ऊपर आ जाता है और गर्म पानी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इसे एक बार एटम टर्नओवर होगा, एक बार स्प्रिंग टर्नओवर होगा। ठीक है, स्प्रिंग मतलब ये आएगा कहाँ पे, विंटर के बाद, आफ्टर विंटर, ये आफ्टर समर। ठीक है, तो अब टेम्परेचर के बेसिस पे टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, आप टेम्परेचर के बेसिस पे प्लांट और एनिमल को अलग अलग बता सकते हैं, उसके भी टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेसिस पे वेजिटेशन को आप चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, पहला मेगाथर्म्स, जो प्लांट हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं थ्रू आउट द ईयर, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स हो गए, उनको मेगाथर्म बोलते हैं। मीजोथर्म, जो प्लांट अल्टरनेट हाई और लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं उनको हम मीजोथर्म्स बोलते हैं, जैसे डिसिड्यूअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के प्लांट। माइक्रोथर्म्स हम किसे बोलेंगे, जो प्लांट लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, जैसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट के प्लांट हो गए। फिर आते हैं आपके हेकिस्टोथर्म्स, जो बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, जैसे एल्पाइन वेजिटेशन। ठीक, बी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एनिमल्स डिवाइड इंटू टू ग्रुप्स, जो मैंने आपको बोला था यूरीथर्मस, होमियोथर्मल, इंडोथर्मल या वार्म ब्लडेड एनिमल्स हो गए ये, और दूसरा स्टेनोथर्मस या पॉइकिलोथर्मल, एक्टोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हो गए दूसरा। अब ये जो एनिमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, विच आर एबल टू टॉलरेट वाइड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, जैसे बर्ड, मैन, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब वार्म ब्लडेड होते हैं। दे रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाई फिजियोलॉजिकल मीन इवन द आउटसाइड टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स। आउटसाइड टेम्परेचर जो भी रहो, हमारा बॉडी हमारा हीट जनरेट करता है और मेंटेन करता है हमारे इंटरनल बॉडी के होम्योस्टेसिस को। वहीं जो एक्टोथर्मल कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, विच आर अनेबल टू टॉलरेट वाइड वेरिएशन इन टेम्परेचर, और ये जो एनिमल्स होते हैं ये, या बर्ड्स या मैम बर्ड्स मैमल कह रहा हूँ, मतलब बर्ड और मैमल को छोड़ के जो सारे और हैं वो कोल्ड ब्लडेड में आते हैं, जैसे आर्कटिक फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस वगैरह हो गए। वहाँ पे उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है, वो खुद से हीट नहीं जनरेट कर पाते। जो उनका कंट्रोलिंग होता है बॉडी टेम्परेचर का, वो फिजिकल फिजिकल मीन से होता है, मतलब गर्मी ज़्यादा है तो शेड में मूव कर जाते हैं, ठंडी ज़्यादा है तो वो धूप की तरफ मूव कर जाएंगे। और इनका फीडिंग हैबिट भी अलग होता है, ये जनरली रात में ही जो होता है फीड करते हैं। तो ये था आपका पूरा लेक्चर, हम पढ़ रहे थे आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एबायोटिक और बायोटिक दोनों चीज़ें थी, हम आपको पढ़ा रहे थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि कैसे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, वैसे पांच फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक, एडाफिक, टोपोग्राफिक, बायोटिक, लिमिटिक, लिमिटिंग फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में हमने लाइट और टेम्परेचर कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाटर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा के बारे में। ओके, चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।